बस यही करते रहेंगे सर हम। हाँ जी कुछ कह रहे हो? नहीं होता अभी आप नाइन्थ में, क्वार्क्स होते हैं, इसके बाद क्वार्क्स पढ़ोगे आप लोग। तो भैया अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बैठने वाले तो हैं नहीं, और शुरुआत में कौन आए? जे जे थॉमसन। कब आए? 1897 में। मतलब अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा 26 years। हाँ मतलब ऐसा अगर एज सच देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब अभी 150 साल भी नहीं हुए हमारे हिसाब से देखा जाए तो हो गए हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए बहुत पुरानी पुरानी बातें हम पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अच्छा, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। भाई साहब ये लिखा गया है, इसका मतलब एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये MCQs में आता है कई बार, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, वन मार्क में क्वेश्चन में आ जाता है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इज जे जे थॉमसन, ठीक है भाई साहब। एक नंबर तो ले ही आओगे अब। हाँ जी आया था ना? हाँ जी, इस पे नहीं बैठना है भाई साहब, इधर देख लो जरा कैसे। अब बात ही आ गई, ठीक है भाई डिस्कवर किया, लेकिन कैसे ये भी तो पता चले भाई कि डिस्कवर कैसे हुआ। तो पूरी डिस्कवरी मैं आपको समझाता हूँ, जरा समझिएगा। जे जे थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, कितना? ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर, टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। जरा समझिए डिस्चार्ज ट्यूब है क्या चीज। उन्होंने क्या किया, अरे कोई सिलेंडर विलेंडर है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर जरा, अच्छा सर्कल का बन तो सकता है, सर्कल का बन जाएगा, एक मिनट दो जरा देखें, ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, काम चला लेंगे इससे हम, कोई बात। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है, डिस्चार्ज्ड ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब का क्या मतलब होता है? जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो सबको पता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया जरा समझिएगा, यहां पर उन्होंने क्या किया जरा सुनिएगा, यहां पर उन्होंने लगा दिया वैक्यूम पंप। क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप, और इसको लॉक करने के लिए कुछ इस तरीके से कॉर्क लगा दिया गया, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वैक्यूम पंप, क्या हो गया वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का मतलब इसमें से हवा, जो मुझे गैस डालनी है वो डाल लूं, या फिर इसमें से कुछ गैस निकालनी है तो निकाल लूं, ठीक है, और इसको बाद में क्या कर दूं, लॉक कर दूं, सो दैट इसमें से गैस फर्दर पास ना हो सके, ठीक है भाई। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, कोई गैस डाल दी, तो भाई यहाँ पे क्या आ गई, गैसेस, गैस के एटम्स आ गए, या फिर कह दें मॉलिक्यूल्स आ गए। हाँ जी भाई, ये आ गए उस गैस के एटम्स, या फिर कह दो आप मॉलिक्यूल्स। यहां पर उन्होंने क्या किया, एक लगाया मेटल, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से बेटा क्या लगा दी उन्होंने, प्लेट्स लगा दी दो, ठीक है, और इन प्लेट्स को, मेटल की प्लेट्स लगाई और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की लगाई उन्होंने? 1000 वोल्ट की। मान लीजिए ये है पॉजिटिवली चार्ज और ये है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो भाई क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होनी चाहिए भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। कैसे पता चला इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई? इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, एंड दैट इज एम मीटर।
क्या यूज किया जाता है, एमीटर यूज किया जाता है। ये बेटा क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। यहाँ पे एक एरो होता है, वो डिफ्लेक्ट करता है, जैसे हमारा ऑडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, नहीं करता है जब हम मूव करते हैं, वैसे ही एमीटर क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। इससे ये पता चलता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। भाई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ऐसे कैसे, भाई बीच में तो कुछ सोर्स ही नहीं है, कुछ मेटल है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो सकती है। तो भाई ऐसा उन्होंने चेक करने के लिए, इससे ये पता चल गया कि भाई यहां पर बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल्स जो है वो क्या है, चार्ज है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं या इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस चीज का पता नहीं चल रहा है कि ये इधर मूव कर रहे हैं या इधर मूव कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, फ्लोरेसेंट मटेरियल यहां पर लगाया। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है भाई, जब कोई चार्ज पार्टिकल जाके उस पर हिट करता है तो वो ग्लो करता है, स्पाइक करता है, ठीक है। तो जब उन्होंने इधर लगाया और यहां पर से क्या किया, मेटल में छोटा सा होल कर दिया। जब इन्होंने मेटल में छोटा सा होल किया तो उन्होंने देखा कि यहां पर जाके, भाई देखो अगर ये इधर मूव कर रहे होंगे एटम्स, अगर ये एटम्स मूव करके इधर आ रहे होंगे तो कुछ एटम्स निकल के इधर चले जाएंगे जब बीच में गैप होगा, और जब ये जाके इसके सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है वो किससे बनता है, जिंक सल्फाइड से। किससे बनता है, जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड बेटा जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जाके स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करता है। तो इससे ये पता चल गया कि जो एटम्स हैं वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, या फिर हम ये कह दें कि देखो ये पॉजिटिवली टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर कोई भी चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो वो कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि भाई जो ये जो पार्ट है, जो यहां पर से एटम्स या जो भी चीज मूव कर रही है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और ये जो नेगेटिवली चार्ज है अगर आप देखो तो ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, कैथोड रे। क्या बोला गया, कैथोड रेज। अच्छा एक बात बता रहा मैं भूल गया, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ प्लेट अटैच्ड होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड, कैथोड, ठीक है। और जो पॉजिटिव के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच्ड होती है इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बात समझ में आ गई, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, कोई बात नहीं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी इसीलिए इनको क्या बोला गया, कैथोड रेज। और आगे चल के इन्हीं को नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा याद रखना, पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको हाई वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, हाई वोल्टेज, और क्या चाहिए, लो प्रेशर चाहिए, क्या चाहिए, लो प्रेशर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है सिर्फ हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे होता है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ जरा समझिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बीच में होता है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, हैं कोई बात नहीं, 10,000 है, समझ जाओ, जरा सुनिएगा ध्यान से सुनो, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्रीली मूविंग। जैसे ही जाके इलेक्ट्रिसिटी इससे जाके हिट की तो ये इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आ गई, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी आ गई, ये बेटा इस न्यूक्लियस को छोड़कर चल दिया किसकी तरफ, जो पॉजिटिवली चार्ज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वही यहां से इधर मूव कर रहे थे, तो जो मूव कर रहे थे तो ये रेज बना रहे थे और इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज, ठीक है भाई। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ, याद रखना ये जो कैथोड रेज हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर मूव करती हैं,
फिर इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये नेगेटिवली ही चार्ज हैं, इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ जी, इन्होंने एक यहां पर प्लेट लगाई जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, एक यहां पर प्लेट लगाई जो कि नेगेटिवली चार्ज थी। इन्होंने क्या देखा कि ये जो रेज हैं ये अपने पाथ से रिफ्लेक्ट करके इस तरफ मूव करने लगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव की तरफ। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो किस तरफ, सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज होता तो किस तरफ अट्रैक्ट करता? नेगेटिव। तो श्योरिटी करने के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, और तब हमें पता चला कि एटम्स, जो गैस है वो एटम से मिलकर तो बनी है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे थॉमसन ने। कब किया था? 1897। समझ में आ गई बात नहीं? तो ये है पूरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? अब लिखोगे कैसे, जरा देख लो सारी चीजें जो समझाई हैं, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। स्ट्रीम्स ऑफ मिनट पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द कैथोड्स। ठीक है, तो स्ट्रीम्स क्या है? वही जो कैथोड रेज, और दीज स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैथोड रेज। ठीक है, बिकॉज दे कम फ्रॉम कैथोड, क्योंकि कैथोड के से एनोड की तरफ आती हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज नाम दिया गया। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो कैथोड रेज होती हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसे पता चला? भाई एक्सपेरिमेंट से सारी चीजें वेरीफाई की गई। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हीं को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। लेकिन जब जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था, उन्होंने क्या नाम दिया? कैथोड रेज। बाद में जब पता चला तो बस नाम ही तो चेंज किया गया। बेसिकली डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। इसीलिए बोला जाता है कि जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज, कैसे फॉर्मेशन होती है वो जरा देख लीजिए। द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ एटम्स, अभी लेकर दिखाया था मैंने आपको। एंड ऑल द एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। हर एक एटम के अंदर क्या होते हैं? व्हेन हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब, जब पूरे डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर क्या कर दी जाती है? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाती है, वो भी कैसी? हाई वोल्टेज वाली। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पजेस आउट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एटम से निकल के बाहर आ जाते हैं। फ्रॉम द एटम्स ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, उसके बाद क्या होता है? दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कैथोड रेज, क्योंकि ये फास्ट मूव कर रहे होते हैं बहुत तेज, तो हमें रेज जैसे नजर आते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। ठीक है, कंक्लूजन क्या मिलती है इससे हमें? कंक्लूजन क्या मिलती है हमें? द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज शोज दैट वन ऑफ द नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक एटम में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसको -1 से या सिर्फ ऐसे डिनोट किया जाता है, ई से। कई बार इसको ई नीचे -1 लिखा जाता है, जो कि बहुत रेयर है, तो इसका यूज ना के बराबर है। मेजरली ये यूज होता है, इसका और इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिंपली यूज किया करेंगे उसका सिंबल, एंड दैट इज ई की पावर -। ठीक है,